नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं किनी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पूर्व मुख्य सचिव के साथ मारपीट के दोषी पाए गए, सीएम केजरीवाल समेत 9 आरोपी बरी। सदन में उपद्रव पर भावुक हुए वेंकैया नायडू, बोले राज्यसभा की पवित्रता चली गई, हंगामा करने वालों पर होगा एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट में बोला ट्विटर, राहुल गांधी के ट्वीट ने हमारी नीति का उल्लंघन किया है। कृषि कानून बनाने से पहले ली गई थी पंजाब हरियाणा बिहार व बंगाल की राय, संसद में केंद्र का जवाब। केंद्र ने बदला खेल रत्न अवार्ड का नाम, तो महाराष्ट्र में शुरू हुई राजीव गांधी के नाम पर स्कीम। मॉनसून सत्र में सिर्फ 21 घंटे ही चला लोकसभा, 22% हुआ काम, स्पीकर ओम बिरला ने दिया पूरा ब्यौरा। तिहाड़ में बंद कैदी ने फिरौती से रंगदारी, सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है, तिहाड़ में बंद रहते हुए करीब 200 करोड़ रुपए वसूले। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन, 140 लोगों के मलबे में दबने की आशंका। अफगानिस्तान सरकार को झटका, तालिबान ने 9 प्रदेशों पर कब्जा किया, राष्ट्रपति गनी ने स्थानीय नेताओं से मदद की अपील की। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग से बड़ा खतरा, आग से अब तक 18 सैनिकों की मौत, 13 घायल। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें किनी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।